हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस एप्टीट्यूड का पार्ट 5। और इससे पहले हमने 4 पार्ट को अपलोड कर दिया इस चैनल पे, तो आप उसको जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम करेंगे पार्ट 5, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि बीबीए, बीएमएस और डीबी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और किसी भी एंट्रेंस जिसमें भी बिजनेस एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उस सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होंडा। पहला स्टेटमेंट दे रखा है आपको, इट इज अ जापानीज पब्लिक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन प्राइमरी नोन एज मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड मोटरसाइकिल्स। सेकंड आपको स्टेटमेंट दे रखा है, इट वाज फाउंडेड इन 1949। अब आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो मेनली बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या तो एक सही हो सकता है या फिर दोनों सही हो सकते हैं, तो वो बताना है आपने। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है कि वो जापानीज पब्लिक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, होंडा जापानी कंपनी है मेनली। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत क्यों है, इसके लिए आपको इसका फाउंडिंग ईयर पता होना चाहिए। तो मेनली आपको जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके फाउंडिंग ईयर आपको याद होना चाहिए। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने काफी सारे फाउंडिंग ईयर हमने कवर किया था कि कौन सी कंपनी किस ईयर को फाउंड हुई थी। तो जो होंडा हुई थी आपकी फाउंड, वो थी आपकी 1948, 24 सितंबर 1948। लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है आपको, 1949, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली वन, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे को, द टैगलाइन ड्राइव योर वे इज यूज्ड बाय। अब इनमें से किस कंपनी ने टैगलाइन यूज किया था, ड्राइव योर वे, निशान, हुंडई, स्कोडा और फियट। तो इनमें से किस कंपनी ने यूज किया था, तो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर बी, ह्यूंडई, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। गेल वॉज फाउंडेड इन द ईयर। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, फाउंडेड ईयर से लेकर के, ठीक है, रिलेटेड आ चुका है आपके पास। तो गेल का आपको फाउंडेड ईयर बताना है, किस ईयर में ये फाउंड हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, 1984। तो गेल आपको फाउंड हुआ था 1984। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, एक नहीं दो, जैसे कि गेल का फुल फॉर्म क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पहली बात ये होगी। उसके बाद आपका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, फाउंड हुआ था आपको 1984, और फुल फॉर्म क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो तीन क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वॉलमार्ट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1962 बाय दी। अब आपको मेनली इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि वॉलमार्ट के फाउंडर कौन थे, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा आपको सैम वॉल्टन, बी दे रखा है रॉबसन वॉल्टन, फिर सी दे रखा आपको वाई रॉबसन वॉल्टन, और डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सैम वॉल्टन ने इसको फाउंड किया था 1962 के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है गेल से रिलेटेड, गेल वॉज कॉन्ड विद द महारत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। अब किस ईयर के अंदर गेल को महारत्न की स्टेटस मिली थी, ठीक है, 2011, 12, 13 और 10। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, 2013, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2013 के अंदर, 1 फरवरी 2013 में ये हुआ था महारत्न कंपनी, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, टोयोटा बिलोंग्स टू, अब इनमें से किस कंट्री से बिलोंग करती है टोयोटा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो जापान से बिलोंग करती है टोयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द टैगलाइन स्विफ्ट इज यूज्ड बाय। अब टैगलाइन छोटी सी है ये, स्विफ्ट किस कंपनी ने यूज किया था, ह्यूंडई, टोयोटा, होंडा और निशान। तो इनमें से बताना आपको कौन सी कंपनी ने यूज किया था। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, निशान, निशान ने यूज किया था टैगलाइन स्विफ्ट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर मिनी रत्न स्टेटस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेकेंड दे रखा आपको भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और तीसरा ऑप्शन दे रखा आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मिनी रत्न स्टेटस कंपनी के अंदर आता है, ठीक है। तो आपको बताने, या तो वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं। तो जो आपको करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है,
सी ऑप्शन जो फर्स्ट एंड सेकेंड है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, लुइस फिलिप इज अ ब्रांड ऑफ डिजाइनर मैन वेट फॉर्म। अब किस कंट्री से है लुइस फिलिप? अब आपको इस नाम से लग रहा हो कि ये कोई फॉरेन कंट्री है, तो आपको याद रखना है ये किस कंट्री से है। यह है हमारी कंट्री इंडिया से, ठीक है। तो लुइस फिलिप कहाँ से है? इंडिया से, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी फॉलोड बाय कंपनी फॉर महारत्न स्टेटस। अब देखो इसमें आपको पता है कि कंपनी को महारत्न स्टेटस मिलती है गवर्नमेंट से, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या उनके पास होना चाहिए कि उन्हें महारत्न कंपनी कहा जाएगा। सबसे पहले उनके पास नवरत्न स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपके पास एन एवरेज एनुअल टर्नओवर मोर देन 2000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब आपको बताना है कि इनमें से क्या दोनों ऑप्शन सही है या फिर सिर्फ एक ऑप्शन सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बताना आपने, तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, बी नहीं सी सही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, भेल वॉज, ठीक है, BHEL भेल वॉज कंफर्ड विद द महारत्न स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर। अब कौन सी ईयर के अंदर आपको भेल को जो है महारत्न की स्टेटस मिली थी, ठीक है। तो वो बताना आपने कब मिली थी। तो उसको करेक्ट आंसर है वो है क्या आपका, वो 2013, 1 फरवरी 2013 इसमें मिली थी आपको भेल को महारत्न की स्टेटस। अब आपको एक और चीज याद रखनी, अभी हमने पहले क्वेश्चन किया कि गेल को कब मिली थी, वो भी मिली थी आपको 1 फरवरी 2013। तो आपके इससे दो क्वेश्चन बन रहे हैं, गेल को भी उसी वक्त मिली थी और भेल को भी उसी वक्त मिली थी। तो आपको ईयर याद करने में आसानी होगी कि ऑप्शन नंबर बी 2013 सही है, क्योंकि 13 के अंदर आपको गेल और भेल दोनों को मिली थी महारत्न का स्टेटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैगलाइन मेकिंग टुमारो ब्राइटर कौन सी कंपनी ने यूज किया है, ONGC, IOCL, BPCL और गेल, ठीक है। तो सही जो टैगलाइन यूज किया कौन सी कंपनी ने, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने यूज किया है टैगलाइन मेकिंग टुमारो ब्राइटर, ठीक है। तो ये बात आपको रखनी है याद। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉज फाउंड इन द ईयर। अब कौन सी ईयर के अंदर फाउंड हुआ है आपका IOCL, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका 1964। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आपको ना इनमें से ऑड वन आउट करना, मतलब कि कोई एक ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। तो वो आपको हटाना है यहाँ से, तो किस ऑप्शन को आप हटाओगे, ठीक है। अब इसमें ना आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले तो आप ये देख सकते हो कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, कौन सी गाड़ी है। अब ज्यादा गाड़ी अगर एक ही कंट्री से बिलोंग करती है तो वो ऑप्शन सही होगा, और जो एक गाड़ी बिलोंग नहीं करती वो ऑप्शन गलत होगा। तो इसमें देखो आप, होंडा जापान से करती है, BMW नहीं करती जापान से, फिर सुजुकी भी जापान से करती है, ठीक है, और टोयोटा भी जापान से करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो बी होगा, क्योंकि वो अलग है बिल्कुल, BMW की जर्मनी से करती है, बाकी तीनों गाड़ियां आपकी जापान की है, ठीक है। तो ऐसे आपने ऑड वन आउट करना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार मॉडल इज नॉट फ्रॉम मारुति सुजुकी। अब इनमें से कौन सी गाड़ी की जो मॉडल है वो मारुति सुजुकी की तरफ से नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है स्विफ्ट, दूसरा i20, ए स्टार और SX4, ठीक है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, वो है आपका i20, क्योंकि i20 जो है वो कौन मैन्युफैक्चर करता है, Hyundai, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि i20 मैन्युफैक्चर करता है Hyundai। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जापानीज कंपनी। अब इनमें से कौन सी जापानी कंपनी नहीं है, अभी हम पीछे रिवाइज किया था कि होंडा सुजुकी और टोयोटा जापानी कंपनी है, नहीं पूछा आपसे इज नॉट, तो वो है आपकी नोकिया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, विच कंपनी मेक्स अ टू डोर कार नेम फॉक्स। अब इनमें से कौन सी कंपनी कार नेम फॉक्स बनाती है, ठीक है, BMW, ऑडी, वॉल्सवैगन और टोयोटा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी वॉल्सवैगन, ठीक है, ये बनाना इन्होंने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैमसंग इज नॉट करेक्ट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सैमसंग के बारे में सही नहीं है। तो पहले आपको इसके लिए स्टेटमेंट पढ़ने होंगे, पहला है इट वॉज फाउंडेड इन 1940, दूसरा इट वॉज फाउंडेड बाई द ली बियोंग चुल, सी ऑप्शन दे रखा है इट वॉज हेडक्वार्टर इन सियोल साउथ कोरिया। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका,
ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फाउंड हमारा 1940 में नहीं हुआ था, फाउंड कब हुआ था 1938। करेक्ट आंसर आपका ए है, क्योंकि वो इनकरेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट पूछा गया, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसके हिसाब से, क्योंकि फाउंडिंग ईयर क्या है सैमसंग की, 1938 की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नोकिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इंग्लैंड, फिनलैंड, यूएसए और जर्मनी। जो करेक्ट आंसर है वो आपका कहाँ पे है, फिनलैंड। ठीक है, तो ईस्पू नाम की जगह है फिनलैंड के अंदर, वो उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, सोनी वॉज फाउंडेड इन द ईयर, आपसे फाउंडिंग ईयर पूछा सोनी का, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है आपका सी, ठीक है, 1946। ठीक है, और सोनी कहाँ की कंपनी है, ये भी जापान की। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। हम चलते हैं अगले अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो यहाँ पे हमारा आज का ये वीडियो जो है वो खत्म होता है, तो आपको अगर कोई भी डाउट हो वीडियो के अंदर वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी भी अपडेट के लिए आप हमें नीचे दिए गए लिंक्स पे फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप वहाँ पे से हमसे पूछ सकते हैं, और बिजनेस एप्टीट्यूड की जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी, तो आपको बस कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसके अलावा आपके पास एंट्रेंस से रिलेटेड जितने भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास खुद ही आ जाएगी, तो आपने सिर्फ नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।